हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिटोरियल ऑफ विनायक पब्लिक स्कूल खजुरहट अयोध्या। माय नेम इज बबीता सिंह। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी ग्रामर ऑफ क्लास थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 6, वचन नंबर। वचन की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ नंबर। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद, काइंड ऑफ नंबर्स। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मीन्स सिंगुलर नंबर, बहुवचन प्लूरल नंबर। एक वचन सिंगुलर नंबर, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, कलम, पौधा, बच्चा, पंखा, स्त्री आदि। बहुवचन प्लूरल नंबर, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के अनेक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, कलमे, पौधे, बच्चे, पंखे, स्त्रियां आदि। वचन संबंधी कुछ विशेष नियम है। सर्वनाम शब्दों का भी वचन परिवर्तन होता है, जैसे वह क्या कर रहा है ये एक वचन है, वे क्या कर रहे हैं ये बहुवचन हो जाएगा। यह आम मीठा है एक वचन है, ये आम मीठे हैं बहुवचन हो जाएगा। किसी के प्रति सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुरु जी हमें ज्ञान देते हैं, मंत्री जी भाषण दे रहे हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हम प्रायः बहुवचन में होता है, जैसे आपको देखकर मेरे भाग्य खुल गए, पिताजी को घायल देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे लकड़हारा बहुत ईमानदार था, मक्खन से हमें शुद्ध घी मिलता है। कभी कभी पूरी जाति के लिए प्रयुक्त जातिवाचक संज्ञा तथा बहुवचन में न होकर एक वचन में होता है, जैसे दशहरी आम रसीला होता है, कश्मीरी सेब मीठा व लाल होता है। संज्ञा या सर्वनाम के वचन बदलने पर क्रिया का भी रूप बदल जाता है, जैसे बस में महिला बैठी है, बस में महिलाएं बैठी हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए बड़ा आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे घंटा घंटे, कमरा कमरे। स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में आए आ को छोटा आ को अंग में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे खबर खबरें, बात बातें, मेज मेजें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए बड़ा आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कथा कथाएं, महिला महिलाएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए छोटी ई और बड़ी ई को या में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे रानी रानियां, जाति जातियां। थैंक यू।